सही है नंबर्स, तीसरी तिमाही में एडजस्टमेंट्स के बावजूद एक अच्छी क्वार्टर माना जा रहा है सीएलएसए की ओर से। इन्होंने अपना बाय कॉल मेंटेन किया है, टारगेट जो है वो करीब करीब 560 के आसपास आ रहा है। उनको लग रहा है वैल्यूएशन इस समय काफी अट्रैक्टिव है, स्टॉक खरीदना चाहिए और आगे पोर्टफोलियो जैसे जैसे कंपनी ड्रग्स में बढ़ाएगी उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक री रेटिंग की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है, वो कह रहा है सीएलएसए इस समय खरीदेंगे स्टॉक को। सिटी ने बाय कॉल मेंटेन किया है, 540 का टारगेट दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर एबिटा बीट जरूर देखने को मिला है, लेकिन जेनरिक बिजनेस में कंसेंसस ये है कि थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल रहा है, वो एक चुनौती जरूर होगी। आगे कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर आएगी तो उससे मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैक्वायरी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, 450 का टारगेट है इस समय। वो कह रहे हैं कि वो कुछ और साइंस देखना चाहेंगे कि कंपनी किस तरह से अपने प्रोडक्ट लाइन को रैंप अप कर रही है, उसी के बाद रेटिंग को बदलेंगे। जी उसी के बाद अगर आप देखें रेटिंग बदली जाए। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स घटाए हैं इस परफॉर्मेंस के बावजूद। सीएलएसए के साथ शुरुआत करें तो 310 का पहला टारगेट था, जो नया टारगेट आया वो करीब करीब 275 का है। उनको लग रहा है अर्निंग्स आउटलुक जो है वो नर्म रहेगा। इस समय रीजनेबल वैल्यूएशन है, यील्ड हाई है, लेकिन डिमांड आउटलुक भी ठीक ठाक ही है, तो कुछ जिंग फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा है सीएलएसए को इन नंबर्स में। मैक्वायरी ने भी अपने टारगेट्स को घटाया है, 335 पहला टारगेट था, जो नया टारगेट आ रहा है वो करीब 270 का आ रहा है। रिजल्ट्स बीट है, वो कह रहे हैं वैल्यूएशन चीप है, उसके बावजूद वो टारगेट्स घट रहे हैं। जेफरीज ने एक बाय कॉल दिया है, 350 के टारगेट को कम करके 309 के टारगेट के साथ जाएंगे। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में 296 का टारगेट है, ओवरवेट की रेटिंग। सिटी ने कोल इंडिया पर एक बाय कॉल दिया है, 280 का टारगेट दिया है। तो आप देखें तो 270 नीचे की तरफ और मैक्सिमम जो टारगेट आ रहा है 309 का, तो नंबर्स अच्छे, लेकिन क्या वो प्राइस में एक्शन देखने को मिलेगा, मुझे लगता है नहीं। तो बहुत लोगों ने अपने हाथ इंडिया का भी जिक्र जो आशीष कर रहे थे, यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, टारगेट ₹5 से बढ़ गया है, यानी कि 230 है नया टारगेट, पहले 225 का था। बाय कॉल के साथ रहेंगे, उनको लग रहा है कि नेट प्रॉफिट बेहतर है क्योंकि लोअर डेप्रिसिएशन का फायदा मिला है, हायर अदर इनकम का फायदा मिला है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर आगे के परफॉर्मेंस को लेकर इतना ज्यादा बुलिश इस समय तो सीएलएसए साउंड नहीं कर रहा है। इंडियन होटल्स के भी नंबर्स आए हैं, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इस पर ओवरवेट का कॉल है, 174 का टारगेट दे रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, एबिटा बेसिस में और मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली है। लेकिन इस बार इंडियन होटल्स में सब्सिडरीज ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कोर बिजनेस के मुकाबले, तो और दिसंबर जैन के सीजन वाले पीरियड में भी इनके हाथ फायदा ही लगा है। तो ये बात हुई इंडियन होटल्स की। अब कल जो नंबर्स आए बाजार के दौरान उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सीएलएसए हिंडाल्को पर रिपोर्ट एक सेल कॉल की दे रहा है, 210 का पहला टारगेट था, इसको घटाकर 195 किया है। मैक्वायरी ने भी टारगेट घटाया है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग है, लेकिन मैक्वायरी का जो नया टारगेट है वो 260 का है, पहला टारगेट 301 का था। और मॉर्गन स्टैनली ने इनफैक्ट एक ओवरवेट का कॉल दिया 290 के टारगेट के साथ। क्रेडिट स्वीस ने 300 का टारगेट दिया है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग है, डीलेवरेजिंग पर कंपनी फोकस कर रही है, वो क्रेडिट स्वीस को इस समय पसंद आ रहा है हिंडाल्को के केस में। मैक्वायरी ने एचईजी पर रिपोर्ट निकाली है, आउट परफॉर्मर की रेटिंग, लेकिन टारगेट घटाया है। नंबर्स शानदार रहे थे, 4390 का जो टारगेट था उसे घटाकर अब 3026 तक लेकर आ रहे हैं। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन आगे आने वाली तिमाहियों में देखने को मिलेगा, वो एक चिंता है। इन्होंने दरअसल अपना ईपीएस एस्टिमेट भी FY20 से 21 के लिए 31%, 20 के लिए और 21 के लिए 27% घटाया है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहे हैं और कीमतें अब दबाव में रहेंगी, ये एक कंसर्न रहेगा। पीआई इंडस्ट्रीज कल का आउट परफॉर्मर, सिटी की रिपोर्ट है और यहाँ पर टारगेट्स बढ़ गए हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से स्टॉक पर एक बार नजर रखनी चाहिए। आज 1061 है नया टारगेट, ये बढ़ा है 990 से। ओके, चलिए हर्षिता, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनफैक्ट ये